प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ मंत्र और नाम में क्या भेद है? माँ, मन का जो त्राण करता है वह मंत्र है अथवा मंतोर, अर्थात मन तेरा है, यह भाव हो जाने का नाम मंत्र है। प्रश्न, क्या अक्षर और मंत्र में भेद नहीं है? माँ, अक्षर ब्रह्म ही है, अक्षर बिना मंत्र कहाँ? जैसे वृक्ष के छोटे से बीज में अनंत वृक्ष और अनंत बीज निहित रहते हैं, वैसे ही मंत्र में भगवान की अनंत शक्ति निहित रहती है। भगवान का नाम करते करते रूप का प्रकाश होगा। बीज मंत्र जिसको मिल गया है उसको जप करते करते वह क्या है पता लग जाएगा। अलग अलग नाम का अलग अलग रूप होता है, एक में अनंत है और अनंत में एक है। जहां एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वहां एक और दो का सवाल ही नहीं है, यहां अपेक्षा की बात ही नहीं है, जो है वह ही है। नाम तत्व और बीज तत्व क्या है? साधन करते करते अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। बीज का पता ना होने पर भी उसको जमीन में लगाने पर जब वृक्ष होगा तब फूल फल देखकर सब पता लग जाता है। संप्रदाय क्यों पैदा हुए? जिसको जिस ढंग से मिला है उसको लेकर साधन करते करते वह स्वरूप प्रकट हो गया। अपने को पाना माने भगवान को पाना, और भगवान को पाना माने अपने को पाना है। उस भगवत तत्व को जानने के लिए अपने अपने गुरुदेव ने जैसा रास्ता बताया है वैसा करो। प्रश्न, मां शांति के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन शांति मिलती नहीं, क्या किया जाए? मां, शांति के लिए प्रयत्न करते हैं और शांति मिलती नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। तुम आग बुझाने के लिए आग जलाते ही रहोगे तो आग बुझेगी कैसे? जिस लाइन में रहकर कोशिश कर रहे हो वहां शांति नहीं आ सकती। दुनिया में सुख दुख हर्ष शोक द्वंद में रहकर शांति ढूंढने से कैसे मिलेगी? दुनिया में शांति माने खाना पीना रुपया पैसा खूब मिले, लेकिन इसमें शांति नहीं है। अगर शांति चाहते हो तो भगवान की शरण लो, भगवान रूपी स्वधन से धनवान बनने की कोशिश करो। कोई शांति चाहे और उसको ना मिले, यह हो नहीं सकता। भगवान को प्रकट करने के लिए रास्ता लोगे तो अवश्य शांति मिलेगी। प्रश्न, मां रात को 8:45 से 9 का मौन करना चाहिए या 24 घंटे में से कोई दूसरा समय निश्चित कर सकते हैं? मां, रात को 8:45 से 9 बिल्कुल पक्का मौन करें। इस टाइम में सब आश्रमों में यह मौन होता है, कोई कोई गृहस्थ आश्रम में भी इस मौन का पालन करता है। उस समय एक ही साथ मौन करने से शक्ति मिलती है। अगर वह समय तुमने लिया हो तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे समय में भी जैसा बने अच्छा है। अखंड मौन की बात दूसरी है, उसमें समय नहीं बदल सकते हैं। 8:45 से 9 का मौन बिल्कुल अलग है, तुम सोच समझकर अपना मौन का समय ठीक करो, फिर समय नहीं बदल सकते। भगवान का नाम 24 घंटा में जितना लो उतना ही अच्छा है। 15 मिनट के मौन से कम भगवान नाम लेने की आदत तो पड़ जाए, पीछे धीरे धीरे 24 घंटा करना भी आ जाता है। 8:45 से 9 वाले मौन का विशेष फायदा है, 15 मिनट वाले अखंड मौन को खंडित नहीं करना चाहिए। इससे समष्टि शक्ति के साथ स्पर्श हो जाएगा, कोई निश्चित समय बांध लेने से अभ्यास योग में मदद मिलती है। एक दफे शायद 30 या 32 वर्ष पहले राजपुर में श्री अंबिका मंदिर में श्रीमती कमला नेहरू ने यज्ञ किया था। उन दिनों हरिजन आंदोलन चल रहा था, वहां उस समय यह शरीर 2 या 3 दिन रहा था।
उसी समय में बात निकली कि 24 घंटे में से कम सिर्फ 10 मिनट का अखंड मौन किया जाए। पीछे वह मौन 10 मिनट से 15 मिनट का हो गया। एक निश्चित समय में भगवान का स्मरण हो। भगवान का कैसा सुंदर विधान है। देखो समय जा रहा आ रहा, सुबह जा रहा रात आ रही, बीच के मुहूर्त में कोई कार्य करें क्रिया करें तो कितना अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि, इन चार संधि क्षणों में भगवत कार्य करने के लिए विशेष शक्ति रहती है। इसके बीच में अनंत क्षण रह गया। इन चार संधि क्षणों में किसी क्षण में ध्यान करे तो भगवत शक्ति का स्पर्श मिलने में सहायता होती है। 24 घंटे के बीच में सिर्फ 15 मिनट का समय भगवान को अर्पण कर दो। एक ही टाइम में रोज मौन करना है। समय बदलना नहीं है, कम से कम वाक संयम रखना है। किसी भी अवस्था में रहो, घर में, बाहर, रसोई में, रोगी की सेवा में, यात्रा में, जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहां ही मौन करो। अपने अपने इष्ट का, भगवान का स्मरण करो। यहां कोई संप्रदाय की बात नहीं है। मुसलमान, पारसी, ईसाई, हिंदू, जैन, देशी या विदेशी, कोई भी यह अखंड मौन कर सकता है। सिर्फ निश्चित समय पर 15 मिनट भगवत स्मरण करना है। बंधन मात्र समय का है। बाथरूम में हो, जूता पहनते हुए हो, चलने के बीच में हो, वहां शुद्धाशुद्ध का भी कोई सवाल नहीं है। भगवान नित्य शुद्ध पवित्र है, इसलिए भगवान का नाम कभी अपवित्र नहीं हो सकता। अपनी स्थिति के अनुसार मौन करो। फिर ऐसा करते करते समय बढ़ाने का भी ख्याल हो जाएगा। ऐसा भी विचार आ सकता है, चलो आज छुट्टी का दिन है, 24 घंटे का मौन लेकर एक कमरे में बंद होकर बैठ गए, वहां ध्यान, जप, सदग्रंथ पाठ इत्यादि कर लिया, ऐसा एक महीने में एक दिन संयम रख लिया या 7 दिन में एक दिन रख लिया। ऐसा करते करते भगवत कृपा से सदा सर्वदा भगवत स्मरण आ जाएगा। भगवान की कृपा से किस ढंग से काम बन जाएगा किसको पता है। कोई कहेगा सब लोगों के पास घड़ी कहां है, बिना घड़ी समय का पता कैसे लगेगा, पशु पक्षी कैसे अपने आप समय पर बोलते हैं, उनके पास क्या घड़ी है। चित्तपट में घड़ी रखो। अभ्यास योग बड़ी बात है। अभ्यास से समय का मान अपने आप हो जाता है। एक भाई कीर्तन सुन रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि आंख अपने आप मुंद रही है। क्या कारण है, घड़ी देखी तो पता चला कि उनका मौन का समय आ गया है। दीदी की बड़ी दीदी, अब उनका नाम हो गया है स्वामी सत्यानंद, उनके स्वामी का मसूरी में देहांत हो गया। पति का शरीर शमशान में जल रहा है, उसके सामने ही उनका और उनकी पुत्री दोनों का मौन का समय आ गया। बस शमशान में ही अखंड मौन में बैठ गए। कोई कहता है आपद के समय में कैसा करें, आपद में कोई पहनने का कपड़ा नहीं छोड़ता है, आगे पीछे खाना पीना भी नहीं छोड़ता है, तो फिर भगवान का नाम क्यों छोड़ना। उन्हीं की संतान है सब। कोई किसी भी हालत में हो, अपना अखंड मौन, भगवत स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।